हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जीके चैंपियन सीरीज़ का आज भाग चार में आपके लिए लेके आया हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि जीके जो है वो कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सभी एग्जाम्स में जो है वो जीके तो पूछा ही जाता है। और अगर आपने भाग एक, दो और तीन नहीं देखे तो पहले आप वो देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं पर आपको पीडीएफ फाइल का लिंक भी मिलेगा और आप पीडीएफ फाइल को रिवीजन के तौर पर आगे अपने पास सेव करके रख सकते हैं। अब अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रखिएगा। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको वीडियो में बहुत सारी दूंगा, उसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपके लिए 50 से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा। ओके, तो अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और अगर आपने ये वीडियो देखे हैं तो आप अपने आप को जीके के अंदर जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लघु उद्योग हेतु उच्चतम निकाय भारत में कौन सा है। ठीक है, यानी कि जो छोटे उद्योग होते हैं उसको भारत में कौन हैंडल करता है, तो ये करता है सिडबी। ठीक है, सिडबी का फुल फॉर्म भी कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिडबी का जो है फुल फॉर्म होता है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है फ्रेंड्स वो हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लखनऊ यूपी में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक है वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे गर्म यानी कि हॉट ग्रह जो है वो कौन सा है। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, आपको पता भी होगा शुक्र जो है वो हमारा जो ब्रह्मांड है यानी कि जो सौर मंडल है उसका सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है। ये काफ़ी कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, क्योंकि एक तो गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाता है एग्जाम में और एक इंडिया गेट पूछा जाता है। तो इंडिया गेट तो वो तो दिल्ली में है, यहाँ पर बात आई है गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये है फ्रेंड्स मुंबई में। ओके, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई के दक्षिण भाग का जो समुद्री तट है वहाँ पर ये स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 26 मीटर के आसपास है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ इसके जो वास्तुकार है वो है जॉर्ज विंटेट। ओके, इसके जो वास्तुकार है ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मुंबई के अंदर जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसके वास्तुकार कौन है, यानी कि उसको डिज़ाइन किसने किया था, तो ये किया था जॉर्ज विंटेट ने। ओके, और इसकी जो ऊंचाई है वो है लगभग 26 मीटर और इसका जो निर्माण है राजा जॉर्ज पंचम और उनकी जो रानी थी मेरी, उसके मुंबई आगमन पर किया गया था। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो 1913 में शुरू हुआ था और 1924 में इसका जो निर्माण जो है वो ख़त्म हो गया था, लगभग 11 साल इसमें लगे थे। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है इस क्वेश्चन में आपसे इतना पूछा गया है, तो ये आप बता दीजिएगा मुंबई में हुआ है। ठीक है, और इसको डिज़ाइन किसने किया था, वो किया था जॉर्ज विंटेट ने। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। ये एक एथलेटिक्स है जिसको हम फ्लाइंग सिख या उड़ता हुआ सिख के नाम से भी जानते हैं, तो फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये है मिल्खा सिंह। ओके, तो मिल्खा सिंह की बात आई है तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूँ। इनको सबसे पहले 1958 में जो है एशियाई खेलों में इन्होंने 200 मीटर और एक और 400 मीटर के अंदर गोल्ड जीता था। ठीक है, 1958 के जो एशियाई खेल हुए थे, और इसके अलावा इन्होंने 1962 के जो एशियाई खेल हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा एक और इन्होंने 1958 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे, यानी कि 1958 में इन्होंने एशियाई खेल में तो 200 और 400 मीटर में गोल्ड जीता ही था, इसके अलावा 1958 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जो है जीता था। और इनके ऊपर एक फिल्म भी बना गई है जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मिल्खा सिंह के जीवन के ऊपर एक फिल्म बनी थी भाग मिल्खा भाग, उसमें मिल्खा सिंह का रोल किसने किया था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद से लिया गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि चार वेद है, एक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक है अर्थवेद। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा संगीत की जो उत्पत्ति है वो आपको पता है सामवेद से हुई है, लेकिन यहाँ पर गायत्री मंत्र की बात आई है तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है, बैंकों का बैंक जो है वो हम किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को पता होगा कि बैंकों का बैंक जो है वो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं, आरबीआई, जिसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में।
मैं आपको बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आई है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा की गई है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस अधिनियम के तहत बना था, तो वो बना था 1934 अधिनियम के तहत। ठीक है, इसका जो प्रारंभिक यानी कि जो शुरू में जो कार्यालय था वो था कलकत्ता। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक कार्यालय इसका मुंबई नहीं था, प्रारंभिक कार्यालय इसका जो था वो कलकत्ता था। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात अगर करें हम तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गई थी। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका जो कार्यालय था यानी कि प्रारंभिक कार्यालय वो था कोलकाता, और स्थापना के बाद लगभग 3 साल बाद यानी कि 1937 से इसका जो कार्यालय है वो मुंबई से ट्रांसफ़र करके कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके उसको मुंबई कर दिया गया। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्यालय है वो मुंबई के अंदर ही है। ठीक है, और अभी आरबीआई के यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 25वें गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक मुख्य कार्यालय तो मुंबई में है ही सही इनका, इसके अलावा इनके जो है 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। ठीक है, वो 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं, एक तो है दिल्ली, एक मुंबई, एक कलकत्ता और एक चेन्नई। ठीक है, तो एक इनका हेड ऑफिस मुंबई में है, इसके अलावा 4 क्षेत्रीय कार्यालय है उसमें दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और एक है चेन्नई, जिसके सहायता से ये पूरे भारत में जो है वित्तीय लेन देन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करते हैं। नेक्स्ट है, तंजावुर के मंदिरों में क्या प्रोत्साहित या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो तंजावुर के जो मंदिर है वो मंदिर जो है वो किस कला के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, तो ये भरतनाट्यम के लिए। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तंजावुर के जो मंदिर है वो भरतनाट्यम, और मैं आपको बता दूँ भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध नृत्य है यानी कि दक्षिण भारत का। तो तंजावुर के मंदिरों में आपको भरतनाट्यम का जो नृत्य है वो करते हुए कई प्रकार के जो है चित्र आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है, सत्य और अहिंसा पर सर्वाधिक जोर किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको पता होगा महात्मा गांधी जो थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, वो सच बोलना पसंद करते थे और उन्होंने अपनी जो लड़ाई है यानी कि उन्होंने जो अंग्रेज़ों को भगाया है भारत से वो अहिंसा के दम पर ही भगाया है। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, और पोरबंदर में, और इनकी जो मृत्यु है नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी जो हत्या कर दी थी वो इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो ये दो डेट आप इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, 20 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था और 30 जनवरी 1948 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, त्यागराज, ये नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है, त्यागराज किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है, ये कर्नाटक के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ त्यागराज। अगला प्रश्न है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा का एक नाम और है, इसको हम भूल भुलैया भी कहते हैं। ठीक है, तो अवध के जो नवाब है आसफ उद दौरानी, उन्होंने 1784 के अंदर जो है इसका निर्माण करवाया था बड़ा इमाम बाड़ा का, 1784 में। किसने करवाया था, अवध के जो नवाब थे आसफ उद दौरानी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था बड़ा इमाम बाड़ा या भूल भुलैया का। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी वहाँ पर बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय नोबल पुरस्कार विजेता कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप सभी लोगों को पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए जो है साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहली बार नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और इनको 1913 में यानी कि 1913 में जो है इनको नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपन्यास जो है आनंद मठ। ओके, आनंद मठ ये बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जो किसके द्वारा रचा गया था। तो ये बकीम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचा गया था आनंद मठ। ये मूलतः बांग्ला भाषा में है और इसकी जो रचना हुई थी वो 1882 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा बकीम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो भी लिखा है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है जनगणमन, इसको हम बोलते हैं राष्ट्रगान, और वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है, ये बकीम चंद चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, हमारे देश में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई थी। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सुन लीजिए, ये हुई थी 15 अगस्त 1972 को। ठीक है, 1972 को भारत के अंदर जो एक पिन कोड प्रणाली शुरू हुई थी। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ पिन कोड प्रणाली क्या होती है।
दोस्तों पिन कोड जो है ये 6 अंकों का होता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये है यहाँ पे 6। तो पिन कोड प्रणाली में कितने अंक होते हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पिन कोड प्रणाली में जो है टोटल अंक जो होते हैं 6। तो इसको आप ऐसा समझे कि मान लो आपने कोई चिट्ठी भेजी है, आपने कोई डाक भेजी है, तो जो पहले 3 अंक किसी भी पिन कोड के होते हैं वह भेजे जाने वाले ज़िले के होते हैं, और बाद के जो 3 अंक होते हैं वह चिट्ठी कहाँ जा रही है उस ज़िले के होते हैं, ठीक है। तो ये पिन कोड प्रणाली का एक जो है डिटेल प्रारूप है, यानी कि आपने कहीं चिट्ठी भेजी, आप जहाँ रहते हैं उस जगह के जो पिन कोड है वो 6 अंकों के, तो स्टार्टिंग के जो 3 अंक है वो भेजे जाने वाले ज़िले के होते हैं, और लास्ट के जो पिन कोड के जो 3 अंक होते हैं वो जहाँ पर आपकी चिट्ठी जा रही है उस ज़िले के होते हैं, ठीक है। तो ये होता है पिन कोड। और मैं आपको बता दूँ पूरे भारत में जो पिन क्षेत्र है, यानी कि पिन कोड के जो क्षेत्र है वो 9 क्षेत्र है, ठीक है। 9 क्षेत्रों में जो है पूरा पिन कोड का सिस्टम पूरे भारत में बिखरा हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पिन कोड में कितने अंक होते हैं तो वो होते हैं 6। कितने पूरे भारत में कितने पिन कोड क्षेत्र विकसित हैं तो वो है 9। और पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 15 अगस्त 1972 को। तो ये जो 9 क्षेत्र पूरे भारत में फैले हुए हैं, इसको आप ऐसा समझिए कि मान लो कि ये पूरा भारत है, ठीक है, और भारत के अंदर जो राज्य 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो इन 28 राज्य और जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनको अलग अलग टुकड़ों में, यानी कि दो दो तीन तीन चार चार राज्यों के बीच में एक एक पिन कोड क्षेत्र बनाया गया है, ठीक है। ऐसे पूरे भारत के समस्त राज्यों में 9 पिन क्षेत्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट है चंडीगढ़ शहर, ठीक है। इसके पहले भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि चंडीगढ़ शहर जो है ये 2 राज्यों की राजधानी है। तो इसका जो डिज़ाइन है वह किसने तैयार किया था, तो ये ली कार्बूजियर जो है उन्होंने चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन किया था। और इसको आप इस चंडीगढ़ को हम ब्यूटी शहर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका नाम चंडीगढ़ क्यों पड़ा, क्योंकि चंडीगढ़ जो है यहाँ पर एक मंदिर है, माँ दुर्गा का, काली का माता का जो मंदिर है, माँ चंडी का यहाँ पर एक मंदिर है। तो दुर्गा को एक रूप है जिसको हम चंडी या चंडिका का रूप कहते हैं, तो उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जो है वो चंडीगढ़ पड़ा है, ठीक है। वर्तमान में यहाँ से जो लोकसभा की जो सीट है वो 1 है, और वहाँ यहाँ पर अभी जो सांसद है यानी कि भारतीय जनता पार्टी की किरण खेर है, ये प्रख्यात अभिनेत्री है, और ये लगातार दूसरी बार जो यहाँ से लोकसभा की सांसद है, ठीक है, चंडीगढ़ शहर। और ये हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी भी है चंडीगढ़, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में गैलेक्सी नोट नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, तो सैमसंग कंपनी के द्वारा गैलेक्सी नोट नामक स्मार्टफोन जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है धन्वंतरी पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये बड़ा आसान सा प्रश्न है, ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में जो अनूठा कार्य करता है उसको धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने से पहले सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी, और इनको हम वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ये इनका एक उपनाम है वयोवृद्ध पुरुष। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा को किस क्षेत्र में जाना जाता है, तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, चित्रकला के क्षेत्र में जाना जाता है। इनको आपको सिर्फ नाम याद रखना है, डिटेल रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। सुप्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है फ्रेंड्स, ये वही स्टेडियम है जहाँ पर शाहरुख खान का जो है वो वहाँ के जो ऑडियंस है यानी कि जो दर्शक आए थे उससे विवाद हुआ था, वानखेड़ा स्टेडियम। और वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है ये BCCI का जो हेडक्वार्टर होता है वो हेडक्वार्टर भी इस वानखेड़े स्टेडियम में ही है, यहाँ पर इसका ऑफिस है, ठीक है। तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है, मुंबई में है, और BCCI का जो ऑफिस है वो, यानी कि BCCI का हेडक्वार्टर तो मुंबई में है लेकिन मुंबई में वो ऑफिस जो है वो कहाँ है, वो वानखेड़े स्टेडियम में है, ठीक है। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किताब का नाम है हु किल्ड गांधी, गांधी को किसने मारा, तो ये तो पता है आपको कि नाथूराम गोडसे ने जो 30 जनवरी 1948 को जो है वो महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, 30 जनवरी 1948 को, तो उसी के ऊपर एक किताब लिखी गई थी हु किल्ड गांधी। इसके लेखक कौन थे, तो वो थे मनोहर मालगांवकर, इन्होंने किताब लिखी थी महात्मा गांधी के ऊपर हु किल्ड द गांधी।
नेक्स्ट है ज्योतिपुंज। ये पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और ये काफ़ी चर्चा में भी आई थी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ज्योतिपुंज पुस्तक लिखी गई है। गुड बाय शहजादी के लेखक कौन है? तो ये श्याम भाटिया। ये भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। मोही कहाँ विश्राम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अर्जुन सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है फिरोज़ गांधी। फिरोज़ गांधी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये शशि भूषण के द्वारा लिखी गई है। भारत में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। भारत में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 27 अगस्त 1947 यानी कि 1947 को की गई थी। सुप्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये दिलवाड़ा मंदिर तो एक्चुअली राजस्थान राज्य में स्थित है, लेकिन किस जगह है? तो ये राजस्थान का एक ज़िला है जिसको हम बोलते हैं सिरोही ज़िला। तो सिरोही ज़िले में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और सिरोही ज़िले में भी एक जगह है जिसको हम बोलते हैं माउंट आबू। तो करेक्ट आंसर तो होगा माउंट आबू। तो माउंट आबू सिरोही ज़िले में है और सिरोही ज़िला जो है राजस्थान में है। तो सुप्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है, सिरोही ज़िले में। और मैं आपको बता दूँ, माउंट आबू में जो ये दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये 11वीं और 13वीं यानी कि 11वीं और 13वीं शताब्दी का मंदिर है। और इसका जो निर्माण है वो चालुक्य राजा वास्तुपाल और तेजपाल, दो भाई थे वास्तुपाल और तेजपाल, इन दोनों भाइयों ने मिल करके करवाया था। और ये चालुक्य राजा थे, ठीक है, चालुक्य वंश के थे। और इन मंदिरों का जो निर्माण है वो 11वीं और 13वीं शताब्दी में हुआ था। भारत में बब्बर शेरों का निवास स्थल कौन सा है? तो ये है गिरी का वन, यानी कि गुजरात के अंदर गिरी के अभ्यारण्य है। तो भारत में बब्बर शेरों की अगर हम अधिकता की बात करें तो वो सिर्फ गिरी के वन यानी कि गुजरात में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस है, तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? तो ये जेम्स हिक्की ने की थी। और अगर भारत के अलावा अगर यहाँ विश्व में प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने वाला देश अगर पूछ ले आपसे तो वो था चाइना, ठीक है, चीन जिसको हम बोलते हैं। लेकिन भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की बात करें तो वो जेम्स हिक्की के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर होने का गौरव जो है वो किसको प्राप्त है? ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है वो है अप्सरा। और परमाणु रिएक्टर की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, ये परमाणु रिएक्टर जो है इसको 1947 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, उन्होंने इसको सबसे पहले जो है लॉन्च किया था परमाणु रिएक्टर अप्सरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 30, बराली हारपन विद्युत परियोजना कहाँ संचालित है? ठीक है, तो बराली हारपन विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर में संचालित है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडेचेरी और केरल, ये चार राज्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दक्षिण भारत के सारे राज्य हैं, इन राज्यों में कौन सा विवाद काफ़ी समय से चल रहा है? तो कावेरी जल विवाद जो है ये चार राज्यों के बीच में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडेचेरी एवं केरल। तो ये दक्षिण भारत के सारे राज्य, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? तो चार, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडेचेरी एवं केरल। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है ओणम त्यौहार, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कथकली एक नृत्य है वो भी मनाया जाता है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये सिर्फ राज्य या नाम याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राजीव गांधी जो है नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में है, ठीक है, काफ़ी सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नाट्य कौन सा है? तो नौटंकी। नौटंकी जो है यहाँ का एक राजकीय नाट्य भी है यूपी का, जिसको हम बोलते हैं नौटंकी, ठीक है, प्रमुख लोक नाट्य है ये। अगला है पंडवानी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पंडवानी जो लोक नृत्य है ये जो धान का कटोरा जिस राज्य को हम कहते हैं छत्तीसगढ़, उससे यह संबंधित है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में जो है पूछा गया है। अगला है संगीत की कर्नाटक शैली का जन्मदाता हम किसे मानते हैं? तो कर्नाटक शैली जो है संगीत की उसका श्रेय जाता है पुरंदर दास को, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 37 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन। मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको क्वेश्चन के अलावा देने की कोशिश की है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। और ये जीके चैंपियन सीरीज़ का पार्ट 4 है, ठीक है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी जो है वो 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपके लिए 50 वीडियो लेके आऊँगा और अगर आप ये 50 वीडियो देख लेते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाएंगे
तो आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ठीक है, इन 50 वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स जो है वो जीके के कवर करूंगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को और इस सीरीज़ को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और आप पूरे वीडियो की PDF फाइल के लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।